हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसमें करंट अफेयर्स का बहुत ही महत्व है और करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ना है ये हम देख चुके थे पहले अपने लेक्चर्स में। अब हम प्रयास करेंगे कुछ वीडियोज़ के माध्यम से कि जो करंट अफेयर्स हैं उसमें जो पॉलिटी है या इकोनॉमिक्स है उसको किस तरह से पढ़ना है, और हम कुछ जो विषय हैं उसका बहुत जल्दी में चर्चा करेंगे। एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये जो वीडियो की सीरीज चलेगी ये आपके करंट अफेयर्स की एक रिवीजन सीरीज होगी। इससे न केवल आपको ये पता चलेगा कि करंट अफेयर्स आपको पढ़ना कैसे है या फिर चीज़ों को पिक कैसे करना है एक पूरे बड़े करंट अफेयर्स में, बल्कि हमें केवल क्या क्या पढ़ के जाना है यूपीएससी एग्जामिनेशन में जो आपके काम आए, सीधे सीधे जो प्रश्न बनते हैं, जिस तरह से प्रश्न बन सकते हैं करंट अफेयर्स में, वो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो जो राज्य व्यवस्था हिस्सा है करंट अफेयर्स का उससे संबंधित है। इसमें हम बेसिकली ये कोशिश करेंगे कि एक साल के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे, और ये जितने वीडियोस आएंगे ये आपके उत्साह पे डिपेंड करेगा। जितना अधिक वीडियोस के व्यूज़ होंगे, जितना अधिक सब्सक्राइब होंगे, उस हिसाब से ये जो वीडियो की जो लेक्चर सीरीज़ है वो आएगी, क्योंकि इसमें समय बहुत लगता है, मेहनत बहुत लगती है। तो इसमें आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप इसको बढ़ाएँ, उत्साह दिखाएँ। तो हम शुरुआत करते हैं जो लेक्चर है उसके पहले आप ये मेरा इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, और मैं 2019 के इंटरव्यू में इस बार मैं दे के आया हूँ। और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे फॉलो कर सकते हैं जिसमें जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आपको मुहैया हो जाएंगे, और यूपीएससी से रिलेटेड अन्य भी जो मटेरियल हैं वो इस प्लेटफॉर्म पर मुफ्त आपको मिलेंगे। तो आज का जो हमारे चर्चा का मुद्दा होगा वो 6 मुद्दा होगा। बेसिकली हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, हम डिस्कशन डेप्थ में नहीं करेंगे। आपको अगर और पढ़ना है करंट अफेयर्स के बारे में तो आप विजन की मैगजीन या इनसाइट, जो भी मंथली मैगजीन है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं बेसिकली क्या करूँगा, इन मुद्दों में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, आपको क्या क्या याद रखने हैं, केवल वही बताते हुए चलूँगा। और केवल वही छोटी सी अगर कुछ समझ की चीज़ें होंगी, कुछ समझदारी बनानी होगी, तो मैं वहाँ पर बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज जो संवैधानिक मुद्दों में जो पहला मुद्दा होगा आरक्षण का, और आने वाले लेक्चर्स में हम और देखेंगे क्या क्या हमें डिस्कशन करना है। तो जो पहला मुद्दा है आरक्षण, तो आपको पता होगा संविधान के दो कौन प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान के किस किस आर्टिकल में आरक्षण संबंधित प्रावधान है। तो आपको ध्यान रखना होगा पहले तो आर्टिकल 15 और 16। यहाँ पर देखिए जो आर्टिकल 15 है, ये आप आर्टिकल 15 ये रहा और आर्टिकल 16 यहाँ पर है। और आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल 15 और 16 आरक्षण का प्रावधान करता है। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आर्टिकल 15 का जो चौथा हिस्सा है, इस अनुच्छेद की अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों की किसी वर्ग की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। मतलब राज्य कुछ विशेष उपबंध कर सकता है, यह आर्टिकल 15 कहता है। अभी हम देखते हैं फिर जो आर्टिकल 16 है उसका, देखिए उसमें भी ये कहा गया है, पहले तो यहाँ पे इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों की नियुक्ति का आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। तो ये दो प्रावधान आर्टिकल 15 और 16 में एक तरह से आप कह सकते हैं आरक्षण को बताते हैं, ठीक है, ये समझिए। अभी जो दोस्तों प्रश्न है, एक तो प्रश्न ये पूछेगा कि आर्टिकल 15 और 16 जो कि आरक्षण संबंधित प्रावधान बताते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो प्रश्न बनेगा, यूपीएससी सीधे प्रश्न पूछेगी कि आर्टिकल 15 के तहत केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी एक, मतलब आप ध्यान दें 15 में 5 चीज़ें दी गई हैं कि राज्य इन 5 चीज़ों को, इसको आप नंबरिंग से याद रखें, मैथमेटिक्स से, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इन 5 चीज़ों के आधार पर ही राज्य विभेद नहीं करेगा। यहाँ पे वर्ड दिया है केवल, तो ध्यान रखें केवल इन्हीं चीज़ों, राज्य चाहे तो इसके अलावा किसी आधार पर भेदभाव कर सकता है। आप कह सकते हैं जैसे आर्टिकल जो 15 है, आप कह सकते हैं उसमें निवास के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। देखिए यहाँ पे राज्य क्या करेगा, निवास के आधार पर भेदभाव कर सकता है। और ये जो आर्टिकल 15 का जो 4 है वो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। यानी आप अगर आप एक शॉर्टकट में समझना चाहें समझदारी बढ़ाने के लिए, तो जो शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण दिए जाते हैं बेसिकली वो आर्टिकल 15(4) का प्रयोग करके दिए जाते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ये 5 चीज़ें किनके
राज्य केवल इन चीजों के आधार पर विभेद नहीं कर सकता, और आर्टिकल 15(4) ये तो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आर्टिकल 16 जो है वो नियोजन में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रस्तावित करता है। नियोजन में आप ध्यान रखिए, ये नौकरियों में आरक्षण एक तरह से कह सकते हैं आप, नौकरियों में आरक्षण के संदर्भ में ये आर्टिकल 16 का जो अनुच्छेद 3 है ये डिस्कशन करता है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। अब ध्यान रखें आर्टिकल 15 में केवल 5 चीजें थी, इसमें आपको देखना है केवल कौन कौन सी चीजें हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास। अब आप समझेंगे यहां पे है 4 और 3 7 चीजें, यानी 5+2 चीजें ऐड हो गई, कौन कौन सी, उद्भव और निवास स्थान, यानी राज्य, उद्भव और निवास स्थान प्लस जो 5 चीजें आर्टिकल 15 में दी थी केवल उसके आधार पर नियोजन में समता का प्रावधान करेगा, यानी नियोजन में इसके आधार पर राज्य विभेद नहीं करेगा। तो ये 2 चीजें आपको आर्टिकल 15 और 16 में ध्यान में रखनी है जो कि आरक्षण संबंधित प्रावधान है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, निवास और मूल वंश भी जुड़ जाता है, मूल वंश आप कह सकते हैं उद्भव भी जुड़ जाता है अनुच्छेद 15 से, तो आर्टिकल 16 ये बताता है। अब जो अगले प्रावधान है आर्टिकल 46, ठीक है, जो अगला प्रावधान है जो कि आरक्षण को इनेबलिंग करता है, और आपको पता होगा जो EWS को आरक्षण दिया गया है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उसको आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 46 को क्रियान्वित करने के लिए दिया गया है। तो UPSC में सीधा सीधा एक स्टेटमेंट ये पूछ देगा कि EWS को आरक्षण निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने के लिए दिया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 46 को क्रियान्वित करने के लिए दिया गया है। और यह अनुच्छेद 46 क्या कहता है कि कमजोर वर्गों के सामाजिक न्याय हेतु राज्य व्यवस्था करेगा। देखिए जो संविधान में जो बातें लिखी हुई हैं वो बहुत ही क्लिष्ट भाषा में लिखी हुई हैं, मैंने उसको शॉर्टकट में केवल आपके समझदारी के लिए कह दिया है, आप उसको पढ़ें जाके। केवल सामाजिक न्याय हेतु राज्य व्यवस्था करेगा, तो इसी के लिए इनेबलिंग क्लॉज है ये EWS। फिर जो है आर्टिकल 335, जो संविधान का अनुच्छेद 335 है, वो कहता है कि राज्य आरक्षण दे अनुसूचित जाति जनजाति सबको आरक्षण दे, लेकिन जो प्रशासनिक दक्षता है वो बनी रहनी चाहिए, ये कहता है आपका आर्टिकल 335। तो ये बेसिकली ये जो 4 आर्टिकल हैं 46, 335, 15 और 16 भारत में जो भी आरक्षण मिलते हैं वो इन्हीं से निर्धारित होते हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं जो हमारा लेक्चर है। तो पहला है जो आज का जो एक टॉपिक है, विधायी निकायों में आरक्षण, ठीक है। तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि हाल में इस संसद ने 104th संवैधानिक संशोधन पारित किया, आपको ध्यान में रखना है 104th संवैधानिक संशोधन पारित किया है, ठीक है। ये संवैधानिक संशोधन क्या करता है, SC ST को लोकसभा तथा राज्य विधायिकाओं में आरक्षण प्रदान करता है। आपको पता होगा कि SC ST को उनके जितना परसेंटेज है राज्यों में और संसद में आरक्षण दिया जाता है उसके हिसाब से अनुपातिक आरक्षण मिलता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है, ध्यान दें कि राज्यसभा में SC ST को आरक्षण नहीं है, तो ये एक ऑप्शन UPSC में पूछा जा सकता है कि क्या इनको आरक्षण राज्यसभा में भी है, तो ध्यान में रखना है कि ये आरक्षण राज्यसभा में नहीं है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जो 104th संवैधानिक संशोधन है इसके द्वारा एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, और कहा गया है कि अब आंग्ल भारतीयों का आरक्षण देने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप इसको ध्यान में रखें। 2 चीज़ें, जो तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप चाहें तो याद रख सकते हैं, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, UPPCS के लिए मैं कहूँ तो इंपॉर्टेंट है, जो आंग्ल भारतीयों का आखिरी सेंसस हुआ था यानी जो आखिरी जनगणना हुई थी वो 1941 में हुई थी ऑफिशियल, और आर्टिकल 366 में आंग्ल मतलब एंग्लो इंडियन को परिभाषित किया गया है, ये तीसरी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों जो चौथी चीज़ और जो मैं कहूँगा इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विधायी निकायों में आरक्षण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित विषय है, और आपको पता होगा जो आर्टिकल 368 है वह 2 प्रकार के संवैधानिक संशोधन करता है, एक सदन में उपस्थित 2/3 एवं कुल सदन की संख्या का आधा यानी 272 प्लस इसके द्वारा संशोधन, और जो दूसरा है कि ये यानी विशेष बहुमत प्लस राज्यों के बहुमत यानी जितने राज्य हैं भारत में उतने के 50% विधानसभाओं द्वारा साधारण बहुमत से पारित होना। तो ये आर्टिकल जो हमारा 368 है ये 2 प्रकार के आपको संविधान संशोधन बताता है। आपको ध्यान में रखना है ये जो संविधान संशोधन हुआ है 104 ये विशेष प्लस आधे राज्यों के सामान्य बहुमत से हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है,
ये सीधे सीधे यूपीएससी पूछ सकता है कि जो हाल में ही 104 संविधान संशोधन अधिनियम हुआ वो किस प्रकार का संशोधन है। तो आपको ध्यान में रखना होगा विशेष बहुमत संसद में प्लस राज्यों में 50% राज्यों में साधारण बहुमत, ये आपको इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना है। अगला हम देखते हैं पदोन्नति में आरक्षण, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति में आरक्षण यानी रिजर्वेशन इन प्रमोशन, मैं इसको शॉर्टकट में रिप बोलूंगा, ठीक है। आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो आरक्षण संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जो केस थे वो टोटल 4 केस आपको ध्यान में रखने हैं। पहला इंदिरा साहनीवाद, ठीक है, इंदिरा साहनीवाद में कहा गया रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कोई ऐसा प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होगा, एक बार रिजर्वेशन दे दिया मतलब अब अनुसूचित जाति सुधर गई, और क्या किया 50% का क्लॉज लगा दिया कि जो आरक्षण होगा उसमें मैक्सिमम वर्टिकल में देखा जाए तो मैक्सिमम 50% ही आरक्षण दे सकती है जो गवर्नमेंट है, यानी 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दे सकती। तो ये जो नेक्स्ट क्लॉज इन्होंने बताया इंदिरा साहनी विवाद में, अब इंदिरा साहनी विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिजर्वेशन ही प्रमोशन नहीं होगा, तो आपको पता है कि देश में राजनीति ऐसी मुखर है, तुरंत विवाद होगा और संविधान संशोधन लेके आएगी जो संसद है 77th अमेंडमेंट एक्ट, और उसके साथ संसद ने आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ दिया। 16(4)(a) क्या है आप एक बार चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं, 16(4)(a) कहता है कि राज्य को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में, यहाँ पे देखें, सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, प्रोन्नति के मामले में आरक्षण से निवारित नहीं करेगी। तो आप कह सकते हैं 16(4)(a) जो है वो प्रोन्नति में आरक्षण से संबंधित है और राज्य इसको राज्य करेगी, यानी प्रोन्नति में आरक्षण संविधान में शामिल कर लिया गया। तो फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और एम नागराजवाद हुआ। एम नागराजवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है जो आपने 77th अमेंडमेंट किया हम मान लेते हैं, लेकिन आपको 3 शर्तें दिखानी होंगी, 3 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। पहली शर्त कि आपको पिछड़ापन का डाटा प्रूफ करना होगा कि जो अनुसूचित जनजातियां हैं वो राज्य में वाकई में पिछड़ी हुई हैं। दूसरी शर्त आपको ये बताना होगा डाटा आंकड़ों के साथ कि उनका राज्य में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व है सेवाओं में। तीसरा आर्टिकल 335 बोला कि प्रशासनिक दक्षता कम नहीं होनी चाहिए, आपको इन तीनों चीज को ध्यान में रखना होगा। अब ये चीजें आई, आपको पता होगा आंकड़ा इकट्ठा करना सरकार के लिए बहुत ही मुश्किल काम होता है, तो सरकार ने फिर कुछ कुछ काम किए, आरक्षण दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया जर्नैल सिंहवाद। जर्नैल सिंहवाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो इसका पूर्ववर्ती जो नागराजवाद हुआ था सेकेंड, बोला सही है, लेकिन जो पहली शर्त है उन्होंने सिंपल से, आप ऐसे देखिए आप कोई बुक पढ़ेंगे तो उसमें बहुत डिटेल में चीज़ें दी हुई होंगी और आपको बहुत कंफ्यूज भी करा सकती हैं, इसलिए मैंने चीज़ों को शॉर्टकट में एक 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 लाइन में लिख दिया है ताकि आप सीधे कॉन्सेप्ट समझ पाएं और आगे बढ़ जाएं। तो जर्नैल सिंहवाद में नागराज केस को सुप्रीम कोर्ट ने सही मान लिया लेकिन पहली शर्त हटा दी, बोले पिछड़ापन का डाटा प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि माना जाता है कि SC ST सामाजिक रूप से पिछड़े हमेशा ही रहते हैं, भले से आर्थिक रूप से वो आगे बढ़ जाएं लेकिन सामाजिक रूप से वो पिछड़े हमेशा ही रहते हैं। तो मान लिया पहली शर्त हटा दी सुप्रीम कोर्ट ने। फिर कई राज्यों ने, कर्नाटक उत्तराखंड जैसे राज्यों ने आरक्षण संबंधी प्रावधान किए, उसमें विवाद हुआ। तो फिर BK पवित्रवाद नंबर 2 फिर से सुप्रीम कोर्ट में आया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोला कि परिणामी वरिष्ठता को संवैधानिक माना जाएगा। देखिए जब आरक्षण दिया जाता है, परिणामी वरिष्ठता थोड़ा सा हम दो लाइन में समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी समझने की। जब भी देखिए आरक्षण दिया जाता है तो क्या होता है, एक होता है कि मान लीजिए आप 2016 बैच के ऑफिसर हैं और 2016 बैच में अब सबको देना है प्रमोशन, प्रमोशन सबको देना है, तो प्रमोशन में आरक्षण में मान लीजिए यहाँ पे SC ST को 30% आरक्षण देना है प्रमोशन में, लेकिन 2016 में जो लोग सेलेक्ट हुए थे उसमें 30% SC ST थे ही नहीं। अब SC ST थे ही नहीं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, 2017 का बैच होगा यानी जो एक साल जूनियर होंगे, ठीक है, उसके कुछ लोगों को यहाँ पे शामिल कर ले और आरक्षण इन लोगों को दे दे, ठीक है, आप ये समझें, यानी उनको प्रमोट कर दिया किनके साथ, 2016 बैच के साथ, यानी जो लोग एक साल सीनियर हैं उनके साथ प्रमोट कर दिया, जो गवर्नमेंट है उसने प्रमोट कर दिया। अब बात आएगी कि वरिष्ठ कौन, जो एक साल पहले नौकरी पे आए थे जनरल कैंडिडेट वो वरिष्ठ होंगे कि 2017 में यानी जो एक साल बाद नौकरी पे आए थे SC ST कैंडिडेट वो वरिष्ठ होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जब एक बार पद समान हो गया तो अब वरिष्ठता बराबर भी हो जाएगी। ये जो ईयर है, जो ईयर ऑफ मतलब आप कह सकते हैं जो ड्यूटी के साल हैं, जो सेवा कार्य काल है, उस पर डिपेंडेंट नहीं होगा।
ठीक है। तो परिणामी वरिष्ठता इसे कहते हैं कि नेट देखा जाएगा कि आखिरी में वह किस पोस्ट पे है। कुल मामला जब नेक्स्ट बार रिजर्वेशन दिया जाएगा तो टोटल सेवा काल को नहीं देख के उसके पद पे उसके सेवा काल को देखा जाएगा। तो आप ऐसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को भी मान लिया। अगला देखते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। आपको क्या ध्यान में रखना है, वही जो मैंने शुरू में ही बताया कि आर्टिकल 46 को लागू करने के लिए यानी जो पिछड़े वर्ग हैं उनके सामाजिक न्याय के लिए राज्य उपबंध कर सकेगा। आपको ध्यान में जो दूसरी चीज रखनी है कि यह 103वां संविधान संशोधन था और 104 भी हमने डिस्कस किया कि राज्य विधायिकाओं में SC ST के लिए आरक्षण 104 है। 103वां कौन सा है, 103वां है EWS आरक्षण, आपको ये ध्यान में रखना है। और इसके द्वारा आर्टिकल 15(6) और 16(6) जोड़ा गया, तो आपको ये ध्यान में रखना है दो चीज। फिर तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ये जो EWS का आरक्षण जो 10% है वो 50% की जो इंदिरा सानीवाद में सीमा दी गई थी इसके ऊपर है। तो अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, ये ध्यान में रखना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि नौकरियों में आरक्षण और पदोन्नति के लिए जो कोटा है वो मूल अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आरक्षण है वो आपका मूल अधिकार नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि रिजर्वेशन केवल इनेबलिंग प्रोविजन है और नीतिगत मामला है, न कि आपका मूल अधिकार है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती रिजर्वेशन चाहिए ही चाहिए, आप दावा नहीं कर सकते हैं, राज्य का मन करे तो दे नहीं तो नहीं दे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहती है। तो ये स्टेटमेंट मे बी सीधे सीधे पूछ दे, स्टेटमेंट ए ऐसे बोल दे कि नौकरियों में आरक्षण जो SC ST है उनके लिए मूल अधिकार है, तो आपको ध्यान में रखना होगा ऐसा गलत है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपको ध्यान में रखना है कि एक जो नया विधेयक आया है सदन में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में और अधिक जनजातियों को शामिल करने के लिए। अब देखिए जो ये बात आती है तुरंत आपको अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो प्रावधान है संविधान के देखने होंगे, खंगालने होंगे। तो देखिए संविधान का जो आर्टिकल 342 है वो कहता है कि राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश के संबंध में उसके राज्यपाल से परामर्श करने के उपरांत सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा जनजातीय समुदायों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा। ठीक है, पहले तो ये ध्यान में रखें, इसका मतलब जो ST की श्रेणी है, जो ST की सूची है वो राज्य स्तर पे है। मतलब आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आर्टिकल 342 कहता है कि भारत में कोई केंद्रीय सूची ST की नहीं है, ये बात आपको पहली तो चीज ध्यान में रखनी होगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि राज्यपाल से परामर्श करेगा और सूची में ऐड करेगा। अब राष्ट्रपति ने जब एक बार सूची बना दी तो कोई भी उस सूची में संशोधन बाद में संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है। तो जो गवर्नमेंट एक्ट लेके आई है विधेयक, वो इसी जो राष्ट्रपति ने पहले से सूची बना रखी है, अब राष्ट्रपति ने जो कर्नाटक की सूची बना रखी है उसमें संशोधन करना है यानी उसमें एडिशन करना है, तो संसद में जब विधेयक आएगा वो जब पारित हो जाएगा तभी वो एडिशन हो सकेगा। आपको ध्यान में क्या रखना है, ये जो विधेयक है ये कोई संविधानिक संशोधन विधेयक नहीं है, ये केवल राष्ट्रपति के आदेश को संशोधन करने वाला विधेयक है। तो केवल इतना आपको ध्यान में रखना है, यानी कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक नहीं है। सीधे सीधे एक प्रश्न पूछ सकता है कि जो अनुसूचित जातियों को लाया गया है नहीं शामिल किया गया वो संवैधानिक संशोधन है, तो आपको मानना होगा नहीं, गलत है, संवैधानिक संशोधन नहीं है। फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको ये ध्यान में रखना है कि ये तीन जनजातियाँ हैं जिनको शामिल किया गया है, परिवारा, तलवार और सिद्धी जनजाति, और ये कर्नाटक की जनजाति हैं, तो केवल आपको इतना ध्यान में रखना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आगे और वीडियो की आवश्यकता है इस प्रकार की या फिर नहीं है, आप इसको भी बता सकते हैं। धन्यवाद।